एक दिन उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और आते ही तस्वीर को ही देखने लगा। इन्होंने कहा, भाई साहब आपको क्या चाहिए बोलो। उस सेठ को देखे, फिर तस्वीर को देखे, फिर दुकानदार ने बालकृष्ण अग्रवाल ने कहा आपको क्या चाहिए, तो फिर तस्वीर को ही देखे। आखिर चुपचाप वो आदमी चला गया। बराबर एक घंटे के बाद उसने फोन किया कि सेठ जी आपकी दुकान पे मैं आया था। बोले, हां पर आपने कुछ लिया नहीं, आए और चुपचाप चले गए, क्या नाराजगी हुई हमसे, क्या भूल हो गई, कुछ लिया नहीं आपने। बोले, मैं जो लेने आया था वो लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो बोले, आप ऐसा तो क्या लेने आए थे जो हिम्मत नहीं हुई। बोले, मुझे सुपारी मिली थी आपका मर्डर करने के लिए और मैं रिवॉल्वर छुपा कर लाया था अपने साथ, पर आपकी दुकान पर जिन महाराज जी की तस्वीर लगी थी वो तस्वीर में से बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कह रहे थे, खबरदार जो बंदूक बाहर निकाली तो तेरी खैर नहीं। ये बिल्कुल बनी घटना है, मैं इसको बनावट करके नहीं सुना रहा हूं। वो आदमी अभी भी जीवित है, उसकी दुकान वही की वही है जलगांव में, बालकृष्ण अग्रवाल नाम है। फिर वो आदमी बोला कि सेठ जी जिनकी तस्वीर की आंखों में इतना दम है तो उनमें सचमुच कितना होगा, यही मैं सोच रहा हूं। मैं बंदूक निकाल नहीं पाया, बीच बीच में सोचता था कि इनकी तस्वीर के तरफ देखना छोड़ दूं और तुम्हारे तरफ देख के गोली चला दूं, भाग जाऊं, पर मैं नहीं कर पाया। अरे भगवान राम का वचन है प्यारे, झूठा कैसे होगा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। रामचरितमानस लंका कांड, स्वयं राम जी बोले, तो भगवान राम बोले होंगे, जरूर कुछ सोचकर बोले होंगे, जरूर उनका अनुभव होगा, तभी ये अनुभूत प्रसूत वचन बोले। सुबह भी बहुत भीड़ थी भक्तों की, श्रद्धालुओं की, कई हजारों लोग सत्संग सुनकर दर्शन पाकर प्रसाद पाकर गए, पर अभी भी देखो तो मैदान पीछे तक भरा हुआ है और बैठने की जगह नहीं है। अभी तो कुछ ज्यादा दिन नहीं मिले समिति के भाइयों को प्रचार प्रसार करने के लिए, पर अगर 15 दिन या महीना मिला होता प्रचार प्रसार करने के लिए तो शायद यहां व्यवस्था करनी भारी पड़ जाती सत्संगियों के बैठने की। पर फिर भी समिति का, साधकों का दिल बहुत बड़ा है, जिसको जहां जगह मिल गई वहां खूब प्यार और श्रद्धा से बैठे हैं। आपकी इस ऊंची समझ को, आपकी इस ऊंची भावना को मेरा फिर से दो हाथ जोड़कर नमस्कार है। ये तपस्या है। तो शारीरिक तप, शारीरिक तप क्या बताया भगवान ने, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। देव की, गुरुदेव की पूजा, सरलता, ये सरलता है। अपने रूम में, ऑफिस में तो एसी में बैठते हैं, बढ़िया कुर्सी सोफा पे बैठते हैं, यहां जहां जगह मिल गई बैठ गए, ये आपकी सरलता है। ये शारीरिक तप जो भगवान कृष्ण ने बताया वो आप सबका सहज में हो रहा है, आप कर रहे हैं। तो भगवान का कहा आप कर रहे हैं, सोचो भगवान कितने राजी होते होंगे। आर्जवम सरलता है, ये आपकी, ये आप सज्जनता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, आप वो भी कर रहे हैं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्चते, संयम हो शारीरिक और अहिंसा, घर पे पति पत्नी प्रेम। मुझे कई साधकों ने बताया, भक्तों ने, कि पहले पति पत्नी में तकरार होती थी पर दीक्षा लेकर सचमुच जप करते हैं आदर से तो अब तकरार नहीं होती, पहले खूब होती थी।
एक पति कह रहा था, ए भगवान मेरी सुन ले और मुझे दुनिया से उठा ले, मैं तंग आ गया। पत्नी बोली, मेरी भी सुन ले, मैं भी तंग आ गई, मुझे भी उठा ले। तो पति बोला, प्रभु पहले इसकी सुनियो, मेरे को जल्दी नहीं है। तो पहले बोले तकरार होती थी, पर अब गुरु मंत्र लेकर जप किया तब से बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, क्योंकि मंत्र जप से घर का वातावरण भी आध्यात्मिक हो जाता है, भक्ति भाव वाला हो जाता है, तो बच्चे भी बड़े अच्छे और संस्कारी होते हैं। तो बच्चों को बापूजी सारस्वत्य मंत्र देते हैं, जिसका जप करने से हमारे देश के बच्चे बड़े